उधर देखो कार्रवाई तो होगा ना भाई सब पे। एक काम जितना डॉक्टर है सब पे बहुत बड़ा हाल है आपको क्या है और आपको ऐसा करेगा कि आपको दोबारा कोई ट्रेन नहीं रखेगा। सुप्रिंटेंडेंट साहब आ रहे सुप्रिंटेंडेंट साहब भी चले जाएंगे हमारी कार्रवाई करिए और क्रिमिनल एक्शन भी लीजिए जेल बंद करवाइए लोग मर रहे आदमी लोगों वजह से क्रिमिनल केस भी करवाइए नहीं ये तो कानून करवाइए ताकि अच्छा आएगा। नमस्कार आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को मेरा नाम अभिषेक है। आधी रात को बिहार के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने SKMCH में छापा मारा है। सीधे पहुंच गए और सीधे हर एक वार्ड का जायजा लिया। इस दौरान जहां खमियां पाई गई हैं वहां भड़क गए हैं और अधिकारियों की क्लास भी लगा दी है डिप्टी सीएम ने। तस्वीरों को दिखाएंगे किस तरीके से डिप्टी सीएम पहुंचे हुए थे SKMCH अस्पताल में और अधिकारियों को फटकार लगाई है। दरअसल आधी रात को वो अस्पतालों का निरीक्षण करने पहुंच जाते हैं और एक बार फिर अस्पताल का निरीक्षण किया है। इस दौरान अधिकारियों की क्लास लगा दी है और साफ साफ कहा है कि कार्रवाई होगी, कार्रवाई वाली सरकार है। पहले आप देखिए किस तरीके से यहाँ तक कि क्रिमिनल केस करने की बात भी कह रहे हैं वो और जेल भेज देने की बात भी उन्होंने कही है। तो क्या कुछ कह रहे हैं पहले आप देख सकते हैं किस तरीके से वो निरीक्षण कर रहे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं वो तस्वीरों को भी देखिए। देख सकते हैं किस तरीके से निरीक्षण कर रहे हैं, SKMCH पहुँचे हैं और निरीक्षण कर रहे हैं, हर एक चीज़ का बारीकी से जायज़ा ले रहे हैं। देख सकते हैं किस तरीके से जो कमियाँ पाई गई हैं उसको लेकर गुस्से में भी तेजस्वी यादव दिखाई दे रहे हैं। किस तरीके से व्यवस्थाएं कमी पाई गई है अस्पताल में निरीक्षण कर रहे हैं, हर एक चीज़ को देख रहे हैं। हमारी कार्रवाई करिए और क्रिमिनल एक्शन भी लीजिए, जेल बंद करवाइए लोगों को, मर रहे आदमी लोगों वजह से क्रिमिनल केस भी करवाइए नहीं ये तो कानून करवाइए ताकि अक्षर आएगा। स्वाइन फ्लू का यहाँ केसेस होता है, आप लोगों को समझ में नहीं आता है क्यों खुला है यहाँ स्वाइन फ्लू का केसेस होता है कि नहीं, कैसे खुला है खिड़की? अभी कोविड का समय बंद कर आप लोग क्या करते हैं फिर? आप स्लाइडर है खाली बंद ही तो करते हैं। हेल्थ मैनेजर का क्या काम है? सारा कचरा है नीचे जैसा है कैसे हो? हर वार्ड के पीछे एक इधर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, धूल मिट्टी है, कोई नहीं है। स्वाइन फ्लू का केस होता है, खिड़की आ रहा है, तकरीबन सारे भाड़ा हो रहा है और सीतामढ़ी गए हुए थे, बीच में देख ले, लौटते हुए बगल में पड़ता है तो सोचा के देखे कि क्या कमी है। बहुत कमियां नज़र आई हैं और जो भी कमी नज़र आई है उस पर कार्रवाई की जाएगी, किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। और हम लोग तो चाहते हैं डॉक्टर को जो है उपलब्धता हो, लेकिन कई जगह डॉक्टर नदारद मिले हैं, लेकिन दवाओं की उपलब्धता होनी चाहिए,
मशीन काम करना चाहिए, मशीन चलाने वाला आदमी होना चाहिए, साफ सफाई होना चाहिए, दवा लोगों को मिलना चाहिए। उत्तर बिहार का ये सारा काम हम लोग जो है कर रहे हैं। अब आप जान रहे हैं मुजफ्फरपुर में तो मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है, तो उस सारी चीज़ों को इसलिए भाई यहाँ आकर के औचक निरीक्षण किया गया ताकि पता चले। हम तो कब से घूम रहे हैं, सुप्रिंटेंडेंट साहब तो अभी आए और इनका तो फिलहाल में ही अभी ट्रांसफ़र हुआ है, तो इनको हम बता दिए हैं हर एक चीज़ जो कमी पाई गई है। एक हफ्ते का हम टारगेट इनको देते हैं कि काम कर रहे हैं, जो चीज़ हैं सुधारें, नहीं तो फिर हम लोग जो है सुनवाई या कार्रवाई वाली सरकार है, गरीब के हित में हम लोग काम करें। बीजेपी वाले तो कहते हैं सोई हुई सरकार है, छोड़िए लापरवाही भी सामने आई। अरे तो गार्जियन है तो गार्जियन को गुस्सा होने का अधिकार है, उसमें कोई बात नहीं है। गार्जियन आए हैं और देखे हैं तो गुस्सा होना स्वाभाविक बात है, उसमें कोई खराब बात नहीं है। कमियां भी सामने आई, कमियां तो देखिए जो बड़ी बड़ी संस्था होती है उसमें कुछ कमी कुछ खराबी होती ही है, उसको ठीक किया जाना है और ये निरंतरता है। प्रोसेस का समय भी दिए हैं। हाँ समय दिए हैं सर। पूछताछ केंद्र पर भी कोई कमी नहीं थे, कई एक डॉक्टर भी गायब मिले हैं। डॉक्टर की बहुत कमी है, ये हम उनको सर को भी कहे हैं और चिट्ठी भी हम लिख चुके हैं पहले से, घनघोर कमी है डॉक्टर की। हम लोग जो है सो किसी तरह से काम चला रहे हैं, तो आदमी हमको मिलेगा तब तो हम चलाएंगे ना। आदमी डॉक्टर ज़रूरी है, हम चाहते हैं कि हर जगह डॉक्टर रहे, इवन जो है सो वार्ड में भी डॉक्टर मिल जाए, लेकिन उतना आदमी मिलना मुश्किल है ना। जितना आदमी है उसी से हमको काम चलाना है। 8 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी है, डिफरेंट विभाग के डॉक्टर हैं, तो हर विभाग के डॉक्टर भी चाहिए उसमें, जो ऑर्थोपेडिक्स के हैं चाहे सर्जरी के हैं या मेडिसिन के हैं, सबको मिला के एक टीम बनाना पड़ता है जो कि इमरजेंसी चला। व्यवस्था में सुधार किया जाएगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सुधार है और सुधार करने की पूरी प्रक्रिया जारी है, कभी रुकी नहीं है, प्रक्रिया उत्तरोत्तर अच्छी होती जाएगी। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है, किस तरीके से निरीक्षण कर रहे हैं, निरीक्षण की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से हर एक वार्ड में जायजा ले रहे हैं, हर एक वार्ड में जाकर जायजा ले रहे हैं किस तरीके से खमियां हैं और क्या सुधार की जरूरत है, इसको लेकर अधिकारियों की क्लास भी लगा रहे हैं। देख सकते हैं किस तरीके से अधिकारियों की क्लास लगाई गई है और साफ साफ कहा है कार्रवाई होगी, सब पर कार्रवाई होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, उन्होंने साफ साफ निर्देश दिया है। तो भड़क गए थे तेजस्वी यादव जो बिहार के उप मुख्यमंत्री, व्यवस्था देखकर काफ़ी नाराज हो गए थे क्योंकि व्यवस्था लापरवाही नजर आई थी, इस कारण नाराजगी थी, तो उन्होंने कई सारी बातों को भी कहा। तो बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक को लाइक करिए।